मिक्स दाल रेसिपी। आज हम बनाएंगे अरहर और चना दाल की रेसिपी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मिक्स दाल। मिक्स दाल में मैंने चना दाल लिया है 100 ग्राम और 100 ग्राम अरहर का दाल। तो चलिए, मैंने इसे अच्छे से धो दिया है और अब इसमें इसे मुझे कुकर में डालना है। दोनों दाल को आप इसमें कुकर में डाल दें और पानी भी बहुत कम मात्रा में रहेगी। अभी दाल फ्राई करने के समय मुझे और भी इसमें पानी मिलाना है। और दो बड़े साइज का टमाटर मैंने काट के ले लिया है, स्वादानुसार नमक। अब इसमें मुझे सीटी मरवाना है, लगभग 4-5 सीटी कम आंच पे रख करके। जब तक दाल पक रहा है तब तक हम तड़का लगा लेते हैं। तड़का के लिए मैंने शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया है। अब इसमें मुझे डाल देना है जीरा। कढ़ाई गर्म हो चुका है और इसे थोड़ा पकने देते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने प्याज ले लिया है, एक बड़े साइज़ का बारीक काटा हुआ। बारीक लहसुन, एक बड़े साइज़ का लहसुन मैंने लिया था। और 3 हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम तड़का लगा देते हैं। इसे कम आंच पर मुझे फ्राई करना है। प्याज लहसुन अच्छी तरह से पक गया है। अब थोड़ा सा हम आँच तेज कर देते हैं, फ्लेम आप बढ़ा दें। अब इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चा पाउडर। नमक मैंने पहले ही दाल में मिला दिया था। दाल भी पक के रेडी है। अब इसे बस मुझे प्याज के पेस्ट में मिक्स कर देना है। तो चलिए डाल देते हैं दाल भी। दाल सारा मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। आप गाढ़ा खाना चाहें तो थोड़ा सा पानी और डाल दें, पतला खाना चाहें तो वो भी पानी डाल दें। थोड़ा सा पानी और इसमें पड़ेगा। अब इसे उबाल आने तक मुझे इसमें पकाते रहना है, फिर मुझे इसकी गार्निशिंग करनी है। हेल्दी दाल तैयार है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये दाल बहुत ही पौष्टिक होता है, आप एनी टाइम इसे बना के खा सकते हैं। कंप्लीट प्रोटीन फूड है। अब मुझे इसमें गार्निशिंग भी करना है। लुक्स यमी। तो चलिए अब फिर आप अपने घर में ट्राई कीजिए। थैंक यू।